हेलो स्टूडेंट्स, आई प्रवेश कुमार बंसल अगेन वेलकम्स यू इन द सीरीज ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। टुडे वी डिस्कस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो स्टार्ट, लेट्स गेट द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी रिलेशन आर है हमारा ऑन ए सेट ए, तो वो क्या होगा, विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर। तो इफ़ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बट उसके पास क्या है, ये तीन प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई कर रहा है कि वो रिलेशन क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या हुआ, डायगनल पेयर, डायगनल पेयर लाइक 1 1 2 2 3 3। यदि हमारे सेट में थ्री एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो डायगनल पेयर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव पेयर। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए बी है तो मुझे क्या चाहिए, बी ए नहीं चाहिए, बी ए नॉट अलाउ, बट डायगनल पेयर अलाउ, बट डायगनल पेयर दैट इज एंटी सिमेट्रिक। एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ आई हैव ए बी दैट बिलोंग्स टू आर एंड बी सी पेयर दैट हैव आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो कहने का मतलब क्या है, यदि यहाँ पास ए बी और बी सी पेयर है रिलेशन में, तो हमारा ए सी भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ए सी क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव पेयर। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो ऑर्डर हमारा जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मैथमेटिक्स में पार्शियल जो ऑर्डर रिलेशन है इसको हम पोसेट भी बोलते हैं, जो क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग सिक्वेंसिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। ये सब के लिए क्या होता है हमारा, जिसको जनरलाइज करता है, सिक्वेंसिंग अरेंजमेंट एंड ऑर्डरिंग। अभी हम देखेंगे वन बाई वन, जब हम आगे पोसेट पढ़ेंगे और उसके लैटिस में जाएंगे, तो ये किस तरह से ऑर्डरिंग कर रहा है, सिक्वेंसिंग कर रहा है एंड अरेंजमेंट कर रहा है। तो ये जो पोसेट होगा वो हमेशा क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा, क्योंकि क्योंकि ये दो सेट के बीच में होगा। डेट फॉर सर्टन पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, वन फॉर एलिमेंट प्रीसीड द अदर एंड इन ऑर्डरिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पोसेट है वो हमारा बाइनरी रिलेशन तो है ही, साथ में क्या है, हम लोग क्या है कि इसमें हम ऑर्डरिंग चेक करेंगे कि कौन सा हमारा किसको प्रीसीड कर रहा है। जैसे लेट सपोज हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं, तो डिवाइड किस किस से है, तो कौन सा हमारा एलिमेंट नीचे आएगा, कौन सा उसके ऊपर आएगा, तो ये क्या है हमारा, प्रीसीड द अदर इन द ऑर्डरिंग। तो ये इसको हम प्रीसीडिंग बोलते हैं। द रिलेशन इट्सेल्फ इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर। तो पार्शियल का यहाँ पर मतलब क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट। इट इज यूज एज इंडिकेशन डेट नॉट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट नीड टू बी कंपेरेबल। अभी हम देखेंगे वट इज मीनिंग ऑफ कंपेरेबल। तो जो जनरली बेटा हमारा जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। जैसे हमने कहा कि ए पार्शियल ऑर्डर विथ बी, ये हमने कहा, तो इसका इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड, रिलेटेड टू, ए इज रिलेटेड टू बी, आइदर वी से ए इज कंपेरेबल टू बी, ए इज कंपेरेबल टू बी, देन पार्शियल ऑर्डर सेट पोसेट। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली हम इसको जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, सेट ए सेट लिखेंगे, और उसके बाद में क्या है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो ये रिलेशन है ये क्या होता है हमारा, पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट हमारा क्या होता है, रिलेशन होगा और ऑन द सेट ए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोसेट भी बोलते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का बेटा एक तरीका तो ये है, और सेकंड क्या है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब भी क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट, क्योंकि ये हमारा किसका सिंबल है, रिलेटेड, पार्शियल ऑर्डर सेट के अंदर इसको यूज करते हैं। तो हमारा मैंने क्या कहा, यदि कोई हमारे दो एलिमेंट कंपेरेबल है, कंपेरेबल है, तो उसका मतलब क्या होगा, या तो क्या होगा हमारा ए, या तो हमारा बी से रिलेटेड होगा, आइदर बी रिलेटेड टू ए, इसको हमेशा क्या बोलेंगे हम, रिलेटेड, रिलेटेड टू। नेक्स्ट इज टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल ऑर्डर रिलेशन को हम लीनियर ऑर्डर सेट भी कहते हैं, लीनियरली ऑर्डर सेट, आइदर वी सेट चेन,
चेन भी, कई बुक्स इसको चेन भी नाम यूज करते हैं। तो टोटल ऑर्डर सेट क्या है, जिसमें हमारे क्या है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपेयरेबल। कंपेयरेबल का मतलब क्या है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि या तो मेरा ए बी से रिलेटेड है या बी ए से रिलेटेड है। जब क्या होगा, हमारे किसी भी इसमें क्या बोलते हैं पोसेट के अंदर यदि हर सारे के सारे एलिमेंट कंपेयरेबल है, डेट मीन्स क्या होंगे, सबके सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो उसको कहेंगे हम टोटल ऑर्डर रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, इन द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए, ए इज 1 2 3 6, तब इसके हम पोसेट निकालते हैं। ए हमारा है 1 2 4 6, तो उसके कंपेयर हम क्या पोसेट निकालेंगे। तो पोसेट के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमें किस पे निकालना है, ए के बगल में क्या है डिवाइड, तो हमें डिवाइड पे निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा वन है, जो वन क्या होगा मेरा टू से भी डिवाइड हो सकता है, फोर से भी हो सकता है, सबसे में क्या है, सबके इसमें वन क्या होगा डिवाइडेबल में आएगा ही आएगा, सबका कॉमन डिविजर है, तो वन आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमें उठाया हमने टू, तो क्या होगा, टू मेरा वन से, वन वन से मैं टू को डिवाइड कर सकता हूँ, डेट मीन्स टू इसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्या है, फोर, अब फोर क्या है हमारा टू से डिवाइडेबल है, तो मतलब क्या हो गया, मैंने फोर को टू के ऊपर लिखा, तो मतलब क्या हो गया, टू फोर क्या है मेरा टू से जब डिवाइडेबल है, डेट मीन्स, और क्या है टू मेरा वन से डिवाइडेबल है, तो डेट मीन्स फोर क्या होगा मेरा वन से भी डिवाइडेबल होगा। नेक्स्ट क्या है सिक्स, तो सिक्स किससे डिवाइडेबल है, फोर से तो नहीं है, बट क्या है, इट इज डिवाइडेड बाय टू, तो ये क्या है टू से तो मेरा डिवाइड हो सकता है। तो उसके इसके लिए क्या बना दिया हमने इसको, इसका जो ये हमारा पोसेट है वो इस तरह से उसको हमने बना दिया। अब चलो एक और केस लेता हूँ, लेट सपोज एक सेट ए है हमारा, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए इज 1 2 3 एंड 4, और एक रिलेशन बना रहा हूँ मैं आर, डेट इज 1 1 2 1 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 3 4 and 4 4। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, मुझे पोसेट डायग्राम बनाना है। तो हमारा पोसेट डायग्राम बनाने का एक और तरीका भी है, एक तरीका तो क्या है मेरा सिंपल जो मैंने अभी ये बताया है, दूसरा मेरा तरीका क्या है ग्राफिकली हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारा क्या है, वन का वन के साथ हमारा है, तो सबसे पहले क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सबको एक वर्टेक्स बना लो, 1 2 देन 3 देन 4। सेकंड क्या है, जितने भी हमारे क्या है ये पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या हो गया, वन से वन की तरफ है, तो वन से वन की तरफ क्या बनाएंगे हम सेल्फ लूप। नेक्स्ट क्या है 2 1, तो मतलब क्या हो गया, सॉरी ये 2 1 नहीं है, डेट इज 1 2 1 2, तो नेक्स्ट क्या है मेरा वन से टू की तरफ, तो वन से टू की तरफ मैंने एक एज बना दी। नेक्स्ट क्या है वन से थ्री, तो मैंने वन से थ्री की तरफ एक एज बना दी। नेक्स्ट क्या है वन से फोर, तो मैंने वन के से फोर की तरफ एक एज बना दी। नेक्स्ट क्या है 2 2, तो मतलब टू से टू की तरफ मेरा एक लूप आएगा, ये बना दिया। नेक्स्ट क्या है 2 3, तो 2 3 से ये बना दिया। नेक्स्ट क्या है 2 4, तो मैंने 2 4 से ये एक एज बना दी। नेक्स्ट क्या है 3 3, मतलब सेल्फ लूप, 3 से 3 की तरफ सेल्फ लूप। नेक्स्ट क्या है 3 से 4 की तरफ ये बना दिया। नेक्स्ट क्या है 4 4, ये भी हमारा क्या है एक पोसेट है। मगर इस पोसेट में क्या है हमारे, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी क्या है इसका हम पोसेट बना सकते हैं, वही रिलेशन क्या होगा हमारा पोसेट कहलाएगा। तो इसको तुम चेक कर लोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी है मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों प्रेजेंट है। नेक्स्ट ए सीमेट्रिक क्या हो गया, 1 2 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग 2 1 नहीं आ सकता, वो ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ट्रांजिटिव क्या कहता है, यदि ए बी और बी सी पेयर है देन ए सी पेयर भी होना चाहिए, तो इसमें तुम तीनों तीनों कंडीशन क्या होंगी इसमें सेटिस्फाई हो रही होंगी। अब मैं देखूंगा, जैसे अब मैं देखते हैं हम, लेट सपोज नेक्स्ट थिंग, ये हमारा क्वेश्चन है, नेट जुलाई 2018 में आया है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला इसमें है ऑप्शन कि जेड, जेड क्या होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इस सेट ऑफ इंटीजर पे
क्या ये हमारा क्या रिलेशन है, ये पार्शियल ऑर्डर का सिंबल है, तो क्या इट इज़ नॉट टोटली ऑर्डर, तो इसने क्या लिखा, नॉट टोटली ऑर्डर, बट आई थिंक ये तो बिल्कुल सही है। यदि हम देखें इंटीजर, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने लेट सपोज वन से ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, मतलब क्या हो गया, 2 मेरा 1 से रिलेटेड है, 3 मेरा 1 से रिलेटेड है, 4 मेरा 1 से, सब के सब क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, चाहे मैं एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करूँ, कुछ भी करूँ, तो सब क्या होगा, मुझे इसी के अंदर मिलेंगे, और सबके अंदर क्या होगा, हमारा सेल्फ लूप होगा, 2 के अंदर भी सेल्फ लूप होगा, 3 के अंदर भी सेल्फ लूप होगा, 4 के अंदर भी सेल्फ लूप होगा, तो ये तो क्या हमारा फॉसेट है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इट इज नॉट टोटली ऑर्डर, तो ये क्या हमारा फॉल्स। सेकंड क्या कहता है, द सेट इंक्लूडिंग रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द पावर सेट ऑफ सेट एस। तो आई थिंक इसको हम चेक कर लेते हैं, पावर सेट के लिए क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल बी वाले केस के लिए, लेट सपोज आई टेक सेट ए 1, 2, तो उसका मैं पावर सेट निकालूँ, तो पावर सेट क्या हो गया हमारा, सबसे पहले पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो ये क्या हो गया पहला 5, फिर उसके बाद क्या होगा सिंगल 1, देन सिंगल 2, देन दोनों को कंबाइन कर लेंगे 1, 2, तो इट इज ए पावर सेट। अब मुझे इसके रिगार्डिंग क्या है, पोशेट बनाना है, तो मैं पोशेट बहुत इजीली बना सकता हूँ। यदि मैं पहले सबसे पहले रिलेशन बनाऊँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन क्या बनेगा हमारा, यदि मैं रिलेशन बनाना चाहूँगा तो क्या आएगा, पहला क्या आएगा मेरा, रिलेशन बनाना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए पार्सल ऑर्डर, ये क्या है सबसेट वाली, यदि मैं इसमें कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो सबसेट में क्या आएगा मेरा, पहला क्या आएगा 5, 1, नेक्स्ट क्या है 5 का हमारा क्या है 2 का भी सबसेट है, तो ये भी इसके बाद इंक्लूड होगा, नेक्स्ट क्या है 5 हमारा 1, 2 का भी सबसेट है, तो ये भी हमारा, एक तो हमारा ये हो गया, नेक्स्ट क्या है जो 1, 1 हमारा 1 का भी सेट है, नेक्स्ट क्या है हमारा जो 1 है वो 1, 2 का भी सबसेट है, यही तो होता है सबसेट में हमारा, नेक्स्ट क्या है मेरा जो 2 है वो 2 का भी सबसेट होगा, नेक्स्ट क्या है मैं 2 का 1, 2 से भी एक सेट, ये इसका भी सबसेट है, नेक्स्ट क्या है सिंपल यदि मैं 1, 2 लूं तो 1, 2 भी क्या होगा मेरा सिंपल 1, 2 का क्या होगा सबसेट होगा, तो ये हमने बना दिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है रिलेशन बन गया, कि रिलेशन किस पे अप्लाई करना था हमारा सबसेट कंडीशन पे, तो सबसेट क्या हुआ हमारा जब 5 5 रिलेशन क्या होता है हर सेट का सबसेट होता है, तो मैंने 5 1 का भी सबसेट बना दिया, 2 का भी बना दिया, 3 का भी बना दिया, तो उसके बाद क्या है 1 मेरा 1 का भी होगा और 1 2 का भी होगा, ऐसे 2 के 2 का भी होगा और 1 2 का भी होगा, लास्ट 1 क्या है 1, 2 मेरा 1, 2 का भी होगा, तो पहला तो मैंने ये कर दिया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, मुझे हैश डायग्राम बनाना है, तो हैश डायग्राम में क्या है सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, एक एलिमेंट क्या है हमारा 1 है, एक एलिमेंट क्या है मेरा 2 है, और लास्ट वन क्या है 1, 2, सिंपल। सबसे पहले तो मेरे जो जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, पी ए पे हैं, पावर सेट वाले मेंबर होंगे, उसके बाद क्या है सबके ऊपर क्या होगा मेरा सेल्फ लूप होगा, क्योंकि मेरा 5 5 के साथ है, तो ये हो गया, नेक्स्ट क्या है 5 1 के साथ हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया मेरा 5 1 के साथ हो गया, तो मैंने ये कर दिया, नेक्स्ट क्या है 5 मेरा 2 के साथ भी रिलेटेड है, ये कर दिया, नेक्स्ट क्या है 5 मेरा 1 2 के साथ भी रिलेटेड है, मैंने ये बना दिया डायग्राम, नेक्स्ट क्या है 1 1 के साथ रिलेटेड है, ये सेल्फ लूप बन गया, फिर क्या है 1 मेरा 2 के साथ नहीं है, मेरा 1 क्या है 1 2 के साथ है, तो ये बना दिया मैंने, ये वाली एज नहीं होगी, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा 2 2 के साथ रिलेटेड है, और क्या है 2 मेरी 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो उसको हम देखें तो क्या हो रहा है इट बिकम्स द पोसेट, तो ये क्या है मेरा पोसेट है, तो ये पार्सल ऑर्डर रिलेशन है, तो ये क्या है बी मेरा 2, तो आई थिंक यही इसका आंसर है। ऐसे यदि हम सी में देखें, सी वाले केस में, तो ये क्या कह रहा है जेड नॉट इक्वल टू इज ए पोसेट, तो क्या इसके बारे में तुम क्या कहोगे, जेड इज इक्वल जेड नॉट इक्वल टू पोसेट, तो इसके बारे में क्या कहोगे तुम, नॉट इक्वल टू में तो क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि यदि हमारा इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं होगी तो मतलब क्या हो गया मेरा कोई रिफ्लेक्सिव पेयर हो ही नहीं सकता, और जब रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं होगा डेट मीन्स क्या होगा वो कभी भी
पॉसिट नहीं हो सकता। तो डेट मीन्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू की जगह पे यदि इक्वल टू लिखा होता तो ये पॉसिट होता, बट नॉट इक्वल टू के केस में क्या होगा, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी क्योंकि रिफ्लेक्सिव पेयर हमें नहीं मिलेंगे। तो सी क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। लास्ट क्या कह रहा है, द डी डायरेक्टेड ग्राफ इज नॉट ए पार्सल ऑर्डर। देखो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसको भी हम आगे देखेंगे। अब जैसे इसको यदि मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफली समझाऊं, तो यदि मैंने कोई एक ऐसा लिखा है सेट, एक ए से बी लिखा है और उसके बीच में यहाँ पे मैंने एक एज बनाई है, तो उसका मतलब क्या हो गया, या तो मेरा ए मेरा बी से रिलेटेड है और बी मेरा ए से रिलेटेड है, इन दो में से क्या है, दोनों क्या होंगे, स्टेटमेंट ट्रू होंगे। बट यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉट ए पार्सल ऑर्डर, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डायरेक्टेड ग्राफ इज नॉट ए पार्सल ऑर्डर। तो ये हमारा क्या है, नॉट ए पार्सल ऑर्डर क्या होगा हमारा, ये फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये पार्सल ऑर्डर होगा यदि मैंने क्या होता, सिंपल यदि मैंने क्या बनाया था, ऐसे बनाया होता और यहाँ पे बी लिखा होता, ए एंड बी, और उनके बीच में कोई भी हमारा एरो नहीं होता, तो क्या होता, इट इज नॉट ए पार्सल ऑर्डर, उस केस में सही होता है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि ए भी मेरा बी से रिलेटेड है या मेरा बी ए से रिलेटेड है। यदि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन मेरा एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिट। बट यहाँ पे क्या है, एक एरो बना है, ये क्या बना है, एरो बना है। एरो का मतलब सिंपली क्या कहता है कि मेरा ए बी से रिलेटेड है बट बी मेरा ए से रिलेटेड नहीं है, तो डेट मीन्स क्या हुआ, ये मेरा पार्सल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए बट इसने क्या लिखा, नॉट है, तो इसका मतलब हुआ है, इस वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्सल ऑर्डर पी इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज फॉलोज। हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज फॉलो, हेयर एक्स कॉमा वाई, हेयर एक्स कॉमा वाई डिनोट्स इंटीजर डिवीजन। हमारा क्या है, ये इंटीजर डिवीजन को हमारा क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। 0 0 बिलोंग्स टू पी। सेकंड क्या कह रहा है, ये ए बी बिलोंग्स टू पी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू 10 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इसको लेस देन इक्वल टू ये क्या कहेंगे, रिलेटेड। हम इसको लेस देन इक्वल टू नहीं बोलेंगे, रिलेटेड। वैसे भी लेस देन का मतलब क्या हो गया, जो मेरा ए होगा वो हमेशा नीचे आएगा और बी क्या होगा, ऊपर आएगा हमेशा। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन भी हम इसलिए बोल सकते हैं, लेस देन का मतलब बस समझने के लिए है कि क्या होगा, बी मेरा ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा, एंड ए बाई 10 बी बाई 10 बिलोंग्स टू बी। तो कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर, 101 22 22 101 145 265। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से हमारे क्या होंगे, पार्शियल ऑर्डर होंगे। तो उसने क्या कहा है इसमें, एक तो क्या कह रहा है, 0 0 बिलोंग्स टू पी होंगे, और दूसरा क्या है कि कोई हमारा पेयर बिलोंग्स टू पी कब होगा, जब उनका हम 10 से डिवाइड करेंगे, डेट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा मेरा, डेट मीन्स क्या, हम उसका रिमाइंडर हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में यदि मैं 101 को डिवाइड बाई 10 करूँ तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, सिंपली बात है 1 मिलेगा, और नेक्स्ट ऐसे ही मैं 22 रिमाइंड 10 करूँगा तो इससे क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। तो लाइक वाइज मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, और थर्ड वाले में क्या मिलेगा मुझे, 5.5 मिलेगा, लास्ट वाले में क्या मिलेगा मुझे, 0.3 मिलेगा। ये हमें पेयर मिल गए, यदि मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, यदि मैं क्या करूँ रिमाइंडर निकालूँ, 8/10, यदि 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये मेरा क्या हो गया, मैंने मॉडलेस वाला 10 से वो निकाल दिया, और दूसरा वाला केस देखूँ तो मेरा क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें क्या आएगा मेरा 15 आएगा, और इसमें क्या आएगा हमारा 14 आएगा एंड 26 आएगा, और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या आएगा मेरा 2 and 10 आएगा, और इसमें क्या आएगा मेरा 10 and 2 आएगा। ये मैंने दोनों दोनों कंडीशन निकाल दी। अब क्या कह रहा है वो, पार्शियल ऑर्डर हमारा कौन सा, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ इसमें क्या हो सकता है। जरा सा फर्स्ट थिंग मैं जो हमेशा तुम लोगों से बोलता हूँ, सबसे पहले पॉज द वीडियो, पॉज करो, और पॉज करने के बाद क्या करो, इसको आंसर निकालने के बाद चेक करने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं सिंपल यदि बात कहूँ फॉर पार्सल ऑर्डर, यदि मैं पार्सल ऑर्डर की बात करूं, फॉर पार्सल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी यदि है टू बी इन पी, मतलब इट बिलोंग्स टू पी, तो क्या होगा, ईच डिजिट, जो हमारी डिजिट होगी, ईच डिजिट इन ए स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस, स्टार्टिंग फ्रॉम
यूनिट प्लेस मस्ट बी लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग डिजिट इन बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं 22 मॉडुलस 10 करा तो मुझे क्या मिला, 2 और 1 मिला, और यदि मैं 2 1 को रिलेटेड देखूंगा तो क्या आएगा, 2 1। तो क्या ये मेरी कंडीशन ट्रू है, नहीं, मेरा तो क्या होगा 2 ऊपर आएगा, डेट मीन्स क्या हुआ, ये मेरा फॉल्स आ गया। सेकंड क्या है, 5 5, तो हमारा क्या हो गया इस केस में, क्या आएगा हमारा, दोनों कंडीशन यदि मैं चेक करूँ तो इसमें क्या आएगा मेरा, मेरा 5 5 आ रहा है, और एक में क्या है 14 26 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं 5 लेस देन 5 करूँगा तो क्या होगा, ये भी मेरा अगेन फॉल्स है, क्योंकि मेरे दोनों दोनों इक्वल हैं, ये कभी क्या होंगे मेरे बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या है, 0, तो 0 मेरा क्या होगा 3 से रिलेटेड है, मगर मेरा क्या है 2 1 से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा क्या है ये से रिलेटेड है, तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया ट्रू। तो फोर्थ वाला मेरा ट्रू आ रहा है अभी तक। अब फर्स्ट वाला क्या है, 1 लेस देन 2, तो 1 पार्सल ऑर्डर रिलेटेड टू, डेट मीन्स क्या हुआ, 1 मेरा नीचे आएगा 2 ऊपर आएगा, मतलब फर्स्ट वाला भी ट्रू है। देन इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया हमारा, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसमें क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। तो इसमें सिंपली मुझे क्या चेक करना है, मैंने मॉडुलस निकाला, और मॉडुलस निकालने का सिंपल मुझे डिजिट में चेक करना है कि वो पार्सल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया मेरा 1 से इन्फिनिटी ये होता है, तो इसके इसमें क्या है, ये हमारा कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, यदि इसमें देखो क्या लिखा है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर एज फॉलोज, एक्स वाई आर मदर रिलेटेड यू कॉमा बी, ये कब है, जब क्या हो मेरा एक्स लेस देन यू हो एंड वाई लेस वाई ग्रेटर देन वी हो। तो ये बताओ कि हमारा ये रिलेशन क्या होगा, ये क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हमारा किस टाइप का ये रिलेशन होगा, हमें ये बताना है इसमें। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। तो सिंपली क्या है, यू टेक एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लो और इस एग्जाम्पल के बेसिस पर इसका आंसर निकालने की कोशिश करो कि क्या है। लाइक वाइज नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट आर वन बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, एक आर वन रिलेशन है सेट वन एंड बी क्या है, ये है टू ए टू बी, और आर टू बी है अनदर रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, ये दे रखा है एज डिफाइंड बिलो। तो फर्स्ट क्या है, एन एलिमेंट एक्स इन ए, ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट वाई इन बी इफ एक्स प्लस वाई इज डिविजन बाई थ्री। तो क्या कह रहा है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसके क्या है तुम्हें रिलेशन निकालना है। तो वो क्या कह रहा है, सेट ए में क्या है मेरे 1 3 5 7 एलिमेंट है, एंड सेट बी में क्या है मेरे 2 4 6 8। अब वो क्या कह रहा है, ऐसे हमारे पेयर आएंगे जो क्या होंगे, एक्स मेरा ए से, एक्स मेरा ए से आएगा और वाई मेरा क्या आएगा बी से आएगा, और उसके बाद क्या कह रहा है, जो एक्स प्लस वाई है वो मेरा क्या होना चाहिए, डिजिट बाई थ्री होना चाहिए। तो ऐसे पेयर को हमें लेना है, तो इससे मेरा क्या रिलेशन बनेगा आर वन, यदि मैं 1 और 2 को लूंगा तो 1 प्लस 2 क्या हो रहा 3, जो मेरा 3 से डिविजिबल है, तो मैं दैट मींस 1 2 एक पेयर आ गया। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं 1 को 4 के लिए ले सकता हूँ, 1 प्लस 4 5 हो रहा है, जो मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 प्लस 6 7 ये भी नहीं होगा, 1 प्लस 8 ये हो जाएगा, तो मेरा 1 से 8 भी एक मेंबर आएगा। नेक्स्ट क्या है, 3 को मैं 2 के साथ चेक करूंगा 5 आएगा, 3 को 4 के साथ चेक करूंगा तो 7 आ रहा है, 6 प्लस 3 तो मतलब क्या हो गया 3 6 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 3 8 तो 3 8 लिया तो क्या हो गया 11, 11 नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या है, 5 प्लस 2 7 आ जा रहा है, 5 प्लस 4 9 आ जा रहा है, तो ये भी आ जाएगा हमारा मेंबर में। नेक्स्ट क्या है, 5 प्लस 6 11 जा रहा है, और 5 प्लस 8 13 जा रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 7 कॉमा 2 ये मेरा होगा। नेक्स्ट क्या है, 7 प्लस 4 11 ये हो रहा है, 7 प्लस 6 13 हो रहा है, 7 प्लस 8 क्या हो रहा है 15, तो ये क्या हो गया मेरा आर वन रिलेशन बन गया। इसी तरीके से आर टू रिलेशन चेक करो, आर टू क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई क्या मेरा इवन होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाई थ्री, मेरा क्या होना चाहिए इवन भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई थ्री भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले आर वन वाले मेंबर तो मेरे नहीं आएंगे, इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, 1 प्लस 4 5 आ रहा है, तो मतलब ये क्या होना चाहिए ऑड आ रहा है,
मगर मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो 1 + 6 7 आ रहा है, ये भी ऑड हो गया, 1 + 8 ये भी ऑड आ रहा है, तो ये इनमें से कोई नहीं आया। नेक्स्ट क्या है, 3 + 2 5, 3 + 4 7, 3 + 6 9, 3 + 8 11 आ रहा है, ये भी मेरे से क्या है, सारी सारे ऑड है। नेक्स्ट क्या है, 5 + 2 7 7, 5 + 4 9, 5 + 6 11, 8 + 5 13, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, 7 + 2 9, नेक्स्ट क्या है, 7 + 4 11, 7 + 6 13, 7 + 8 15। तो कहने का मतलब क्या हो गया, R2 में मेरे क्या हो रहा है, कोई भी मेंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, पहले तो क्या होंगे, वो इवन नहीं आ रहे हैं। एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, मेरे इवन होने चाहिए और 3 सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन वाला कोई भी नहीं आ रहा है। हम यदि यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो सब क्या हो रहा है, 1 + 2 3, 1 + 4 5, क्योंकि यदि मैं इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, सम हमेशा ऑड ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेशन R2 है क्या आ रहा है, 5। अब क्या कह रहा है, विच इज द कंपोजिट रिलेशन, हमें क्या निकालना है, कंपोजिट रिलेशन निकालना है फ्रॉम A टू C। तो ये हमें मालूम है कंपोजिट रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, इसको निकाल के देखो। कंपोजिट रिलेशन में तुम्हें बताया था क्या कहा था, यदि हमारा ए में ए बी है और बी में लेट सपोज B1 B2 है, और सी में क्या है हमारा, लेट सपोज C1 C2 है। तो ये तीन रिलेशन है। तो कंपोजिट क्या है, यदि हमने ए से B1 है और B1 से C1 है, लाइक वाइज लेट सपोज B से B2 है और B2 से C2 है। तो कंपोजिट रिलेशन में क्या आएगा, ए से मेरा B1 कनेक्ट है और B1 से C1 कनेक्ट है, तो मेरा कंपोजिट कनेक्शन AOC, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या आएगा, मेरा ए से मैं डायरेक्ट C1 को कनेक्ट कर सकता हूँ थ्रू बी, लाइक वाइज मैं B से C2 कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारा इससे आगे क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट इसका आंसर निकालो और चेक करो कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और सेकंड थिंग इसमें कौन सा आंसर मेरा ट्रू। लास्ट है, लेट आर बी ए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यदि कोई भी रिलेशन मेरा क्या है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है ऑन द सेट ए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, यदि रिफ्लेक्सिव है तो इक्विवेलेंस होगा, या रिफ्लेक्सिव है तो पार्शियल ऑर्डर होगा, या फिर नहीं होगा, हमें इसको चेक करना है। लेट सपोज कोई एक सेट ए लेता हूँ मैं, 1, 2, 1, 2 लेते हैं, और इस सेट पे क्या है, यदि मैं कोई एक रिलेशन लेता हूँ, लेट सपोज R 1, 2 and 2, 1, यदि मैं क्या लेता हूँ 1, 2 and 2, 1 ले लेते हैं, और क्या रिलेशन लें 1, 1 and 2, 2। सबसे पहले तो क्या है, इन क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो भी हमें स्टेटमेंट प्रूव करने हैं वो हमेशा क्या है, ऑलवेज के लिए प्रूव करने हैं, मे के लिए नहीं करना है। यदि ये स्टेटमेंट लिखा है डेट मीन्स ऑलवेज ये ट्रू होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है तो क्या वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बताओ, यदि कोई रिलेशन मेरा हमेशा रिफ्लेक्सिव है तो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई थिंक ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो यदि मैं सिर्फ ये वाला पेयर लूँ 1, 1, 2, 2 and 3, 3, तो उस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंस क्या कहता है मेरा, RST, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होता है मेरा, इक्विवेलेंस होता है। और पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए बी है तो मुझे बी ए चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए बी है तो मुझे बी ए नहीं चाहिए बट मैं डायगनल पेयर को अलाउ करता हूँ, यही हमारे दोनों में डिफरेंस है। तो हमारा क्या चाहिए, सबसे कंपलसरी क्या है, चाहे वो इक्विवेलेंस हो चाहे पार्शियल ऑर्डर हो, रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव हमारा ये वाला है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। बट यदि मैं ऐसा रिलेशन बनाता हूँ ऊपर वाले के केस में, यदि सिर्फ मैंने 2 एलिमेंट है 1, 1, 2, 2 और उसके साथ में मैंने 1, 2 and 2, 1 ले लिया, तो ये रिलेशन क्या हो रहा है मेरा, ये बताओ कि ये क्या मेरा रिफ्लेक्सिव है। हाँ, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिर्फ मुझे ये चेक करना होता है कि मेरा डायगनल पेयर है या नहीं है, मुझे बाकी अदर एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है बट ये क्या है 1, 2 and 2, 1, ये क्या कहता है, बट क्या है मेरा एंटी सिमेट्रिक के केस में तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्शियल ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होगा। सी क्या कहता है, अब ए और सी में देखो क्या डिफरेंस है, वो क्या कह रहा है, यदि आर क्या रिफ्लेक्सिव है
और हेंस नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यदि इक्विवेलेंस रिलेशन बनना है तो उसको रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना है, तो उसका मतलब क्या हो गया सी स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ए वाला भी क्या है मेरा फॉल्स है, क्योंकि ए वाला इसलिए फॉल्स है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। तो ऐसे हम कुछ तो पेयर बना सकते हैं बट सब नहीं बना सकते। तो इसके केस में क्या है, यदि मैं कहूँ कि ऑलवेज वाली बात करूँ तो इसमें से क्या है कोई भी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट नहीं है। यदि मैं बात करूँ इसकी, जब मैं यदि सारे स्टेटमेंट की बात करूँ, तो ये बेटा हमारा जो डायग्राम ये हो गया हमारा, जितना भी हमने चीज़ें कही हैं अभी तक किसके पार्सल ऑर्डर सेट के रिगार्डिंग बात करी गई है। तो पार्सल पार्सल ऑर्डर सेट जिसको हम क्या कहते हैं पॉसेट भी बोलते हैं, पार्सल ऑर्डर सेट भी कहते हैं। तो ये क्या है हमेशा कोई सेट ए और उसके आगे रिलेशनशिप, या फिर क्या है जैसे मुझे ए मुझे कोई जैसे डिवाइड अला अप्लाई करनी रिलेशनशिप, तो मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप भी ले सकता हूँ, या फिर मैं क्या है ए रिलेशन आर मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है पार्सल ऑर्डर सेट होता है, जिसमें क्या होता है हमारा सिक्वेंसिंग ऑफ एलिमेंट होता है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, जिसे हम प्रिसीडिंग फॉरवर्डिंग बोलेंगे। और इसके बेसिस पे क्या है हम लोगों ने अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं इसी के बेसिस पे क्या है एक क्वेश्चन और करता है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे, इसके आगे पढ़ेंगे। लेट सपोज एक क्वेश्चन है जो गेट में कभी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ऑप्शन ए इज आर वन वेयर ए कॉमा बी पेयर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए लेस देन बी, सेकेंड बी आर टू रिलेशन वेयर ए कॉमा बी पेयर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए लेस देन आर इक्वल टू बी, सी ऑप्शन इज आर थ्री ए कॉमा बी पेयर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको कैपिटल इसको कैपिटल लिख लेते हैं ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स एंड डी ऑप्शन इज रिलेशन आर फोर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सर ए डिवाइड बी एंड ए कॉमा बी। तो इनमें से मुझे बताना कि कौन सा मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं हो। तो इसमें वन बाई वन एक एक करके चेक करो और बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो पहला क्या कह रहा है जेड, तो सबसे पहले ये याद रखो जेड का मतलब क्या हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या होंगे हमारे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे क्या होंगे सारे सारे इंटीजर होंगे, क्योंकि इसने कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर की बात नहीं करी, इसने क्या करा सिंपल सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यदि कहता सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो उस केस में क्या होता हम कहते हैं कि इसे प्लस वन टू इन्फिनिटी। अब क्या कह रहा है पहला वाला केस क्या कह रहा है, अब मुझे इसमें चेक करना है ये रिलेशनशिप दे रखी है इसमें लेस देन की, इसमें लेस देन इक्वल टू की, इसमें सबसेट की और इसमें डिवाइड की। तो पहला वाला ऑप्शन ए, तो यदि मैं थ्री कॉमा थ्री यदि लेट सपोज मैं मुझे पार्सल ऑर्डर करना है तो मैं सिंपल क्या रिफ्लेक्सिकली चेक कर लूँ, क्या मैं थ्री कॉमा थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ थ्री लेस देन थ्री लिख सकता हूँ, नहीं ये कभी नहीं सकता मैं, वो क्या होगी लेस देन इक्वल टू होगा बट ये लेस देन नहीं ले सकता मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट ए क्या है मेरा पार्सल ऑर्डर सेट नहीं है। तो स्टेटमेंट ए क्या हो गया मेरा इसका ये आंसर हो गया इट इज, ये क्या हो गया स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ऐसे मैं बी के लिए चेक करूँ तो बी में क्या है मैं थ्री कॉमा थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन सी,
आर थ्री ए कॉमा बी ऐसे सेट आएंगे जो हमारे पावर सेट से बिलोंग होने चाहिए और ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये हमने पहले भी देखा है कि जब भी मैं सबसेट वाला केस लूंगा तो वो क्या होंगे, हमेशा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होंगे। तो सी क्या होगा मेरा, ये भी हमेशा ट्रू होगा। इसके रिगार्डिंग हमने पार्शियल ऑर्डर सेट अभी पिछले इसमें बनाया है। फोर्थ क्या कह रहा है, यदि मैं डिवाइड वाला ले रहा हूँ तो डिवाइड वाले इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं ए डिवाइड बाई बी करता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं सिक्स डिवाइड बाई टू करूंगा तो ये क्या होगा, इट गिव्स यू थ्री, और थ्री भी क्या होना चाहिए मेरा, जेड से इंटीजर सेटिस्फाई होगा। ऐसे यदि मैं फोर कॉमा टू लूंगा तो क्या होगा, टू, टू भी क्या होगा मेरा इंटीजर है। तो लाइकवाइज क्या है, यदि मैं इसके लिए देखूंगा तो आराम से क्या होगा मेरा पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो डेट मीन्स क्या होगा, इट इज ए पार्शियल ऑर्डर सेट, इसमें मुझे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो आई थिंक आज के लिए हमारा इतना डिस्कशन काफ़ी है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या है, आज हम लोगों ने पोसेट सीखा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, पोसेट से हम हैसे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम हैसे डायग्राम बनाएंगे। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रिमूव करते हैं और फाइनली क्या है हमारा, पोसेट से हम हैसे डायग्राम में पहुंचते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम हैसे डायग्राम से लैटिस बनाना सीखेंगे कि कैसे लैटिस बनेगा। फिर हम टाइप्स ऑफ लैटिस हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, ये हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।